नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप कुमार मेघवाल। आज हम शारीरिक शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तारीख है 21 जून 2021। आज का जो टॉपिक हमारा YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 6 जून 1844 में हुई थी। इसके संस्थापक जॉर्ज विलियम्स संस्थापक थे, जॉर्ज विलियम, जॉर्ज विलियम थे, और इसकी स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की गई थी, लंदन में की गई थी। YMCA का उद्देश्य था बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को विकसित करना, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को डेवलप करना है, विकसित करना, डेवलप करना। YMCA को लेकर भारत में क्या प्रावधान थे, भारत में इसका जो है संस्थापक किसे माना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में YMCA के जो लेख रहे हैं, YMCA एक संस्था है जो शारीरिक शिक्षा की एजुकेशन के मामले में है और एजुकेशन के बारे में पढ़ाती है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन भारत में सबसे पहले बात करते हैं। YMCA ने भारत में पहला फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज, जो शारीरिक शिक्षा का YMCA ने पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज मद्रास तमिलनाडु में उन्होंने पहला कॉलेज खोला। कब खुला भी? इसका जो संस्थापक थे हैरी क्रॉबैक थे भी, इसके वही भारत में संस्थापक थे हैरी क्रॉबैक, ये इसके संस्थापक थे भारत में हैरी क्रॉबैक। श्री बैक को भारत में शारीरिक शिक्षा का या फिजिकल एजुकेशन का पितामह कहा जाता है। इसको पितामह कहा जाता है। YMCA एक बार पढ़ेंगे। YMCA भारत का पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज था भी। नंबर दो, यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कॉलेज था, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप का पहला फिजिकल का एजुकेशन का
पहला कॉलेज था वो। YMCA का मोटो क्या है? YMCA का जो मोटो है अबंडेंट लाइफ, ये था YMCA के बारे में एक छोटा अध्ययन।